प्रणाम। हाय खुशामुद्दीन, वेलकम टू सत्या भाई चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई चैनल, मैं हूं का दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुए है। पिक्चर का नाम है जय मां बीदी। जी हाँ दोस्तों, जैसे नहीं ऐसे नाम आपको एक ट्रेडिशनल नाम की तरह लगता है सुनते ही जय माता जी, पर इसको नाम को थोड़ा बदल के रख दिया है जय मां बीदी, ताकि एक लोगों को सुनते ही एक ट्रेडिशनल फील आए और लोग पिक्चर देखना चाहे और सिनेमाघरों में जाके थिएटर में जाके पिक्चर देखे। जैसे पिक्चर का नाम ऐसा रखा है पर हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो कहता हूँ नाम ट्रेडिशनल की तरह है पर अंदर पिक्चर में कुछ है नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं सनी सिंह, जो काफी अच्छे एक्टिंग कर चुके हैं इसके पहले एक दो पिक्चर में, अभी इनकी तीसरी पिक्चर है और काफी अच्छी एक्टिंग की इन्होंने। और सोनाली सहगल जिसमें हीरोइन के रोल कर रहे हैं, और शिवानी सैनी जो एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह है वो भी इन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है। और इसमें जर्सनल का मेन रोल जो होता है, मेन कास्ट जो डायरेक्टर ने काफी चुना है वो है सुप्रिया पाठक, जो एक हीरोइन और हीरो की माँ की तरह है। और जैसे दूसरे है जो है पूनम दिलोन, जो वो एक हीरोइन की माँ की तरह। दरअसल इस तरह इन्होंने डायरेक्टर ने सेलेक्ट किया है और इस कैरेक्टर को इसमें प्लेस किया है। जैसे कहानी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि दोनों माँ आपस में टकराती रहती है। एक जमाने में पहले एक दोस्त हुआ करते थे, जिगरी दोस्त, और जो बाजू एक जैसे घर बना के बाजू एक नेबर की तरह रहते हैं, आज पड़ोसन की तरह, और आपस में दोनों झगड़ते रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। दोनों में एक जमाने में एक दोस्त हुआ करते थे और बाद में दुश्मन बन चुके हैं, और दोनों एक ही टाइम में अपने बेटी बेटी की एक अपनी लड़की की शादी की तय करते हैं, दूसरी बाजू अपने बेटे की शादी की तय करते हैं। जैसे इस तरह चलता रहता है पिक्चर की पूरी कहानी में, और तो फिर इस तरह कहानी चलता है और दोनों के बीच झगड़ा होता रहता है। दरअसल हीरो और हीरोइन के बीच जब प्यार हो जाता है, जब उसके बाद उनको पता चलता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर इस तरह चलता रहता है। और कहानी दरअसल अंत तक इस तरह चलता रहता है, स्टोरी में कुछ दम नहीं है। पिक्चर तो बस आप टाइम पास के लिए देखना चाहते हैं, अगर थिएटर में जाकर देखना चाहे तो फिर, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो ठीक है, सैटरडे संडे बिताना चाहते हैं। पिक्चर में कुछ दम नहीं है, स्टोरी कुछ ऐसे भी कुछ कहने लायक है नहीं। और ना जाने डायरेक्टर ने नवजोत गुलाटी जो डायरेक्टर इस पिक्चर के, उन्होंने कैसे स्टोरी को कॉन्सेप्ट चुना, असल कुछ नया दिखाना चाहते हैं पिक्चर में, शायद इसके लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सुना है। देखते हैं जब ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस में जमा पाती है नहीं, और जैसे लोगों की दिल जीत पाती है कि नहीं, और कैसे नाम कमाती है देखते हैं। जब पिक्चर में तो मेरा कुछ खास लगा नहीं, मैं तो इस पिक्चर को सिर्फ 5 में से 2 या 2 स्टार दूंगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी पिक्चर मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं। अगर आप जाके थिएटर में देखते इस पिक्चर को तो फिर आप मेरा अपना राय जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और पिक्चर देख के आप जरूर मुझे रिव्यू बताइएगा, आपका सजेशन मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।